मम्मी मम्मी कहानियाँ सुनाओ ना। अरे बेटा कहानियाँ तो मुझे याद नहीं। लेकिन नहीं मम्मी, मुझे कहानियाँ सुननी है। अच्छा तो आने दो तुम्हारे पापा को। जब मैं उनसे पूछूंगी कि तुम्हें आने में इतना लेट कैसे हुआ, तब देखना वो कितनी नई नई कहानियाँ सुनाएंगे। मेरे पास मेरे दोस्त जैसी कार नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पलकों पर बैठा कर घुमाऊंगा। मेरे पास उसके जैसा घर नहीं, लेकिन तुम्हें अपने दिल में रखूंगा। मेरे पास उसके जितने पैसे नहीं, लेकिन मैं तुम्हें मजदूरी करके खिलाऊंगा। मैं उसके जितना अमीर नहीं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। और बताओ तुम्हें और क्या चाहिए? बस सर पगले, रुलाएगा क्या? चल अपने दोस्त का नंबर दे। अंजलि। हाँ? तुम्हें पता है क्या, आज मेरे सपने में एक लड़की आई थी। अच्छा, अकेले आई होगी? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उसका पति तो मेरे सपने में आया था। दमाद जी खाइए, रुक क्यों गए? क्या हो गया भाग्यवान? देखिए ना दमाद जी, एक कवर खाएं फिर रुक गए। नाराज हैं क्या? नाराज क्यों नहीं होंगे, मैंने पहले ही कहा था शादी में कम से कम एक स्कूटर ही दे दीजिए, लेकिन आप मैं सुनते कहाँ हैं? अरे तुम अभी स्कूटर ऑर्डर करवा देते हैं ना। हेलो, हाँ भैया, हम आलू बोल रहे हैं, जरा हमारे घर एक नया स्कूटर डिलीवर करवा दो। दमाद जी अब खाइए ना, स्कूटर आ रहा है। सुनिए जी, अभी भी नहीं खा रहे हैं, एक कार भी मंगवा लीजिए। हेलो भैया, एक कार भी डिलीवर करवा दीजिएगा। दमाद जी कार आ रही है, अब तो खाइए। दमाद जी आपको कुछ और चाहिए तो आप खुद ही बता दीजिए। अरे माँ जी, दाल में नमक नहीं पड़ा है, थोड़ा नमक मंगा देती तो अच्छा रहता। रात को 1 बजे कहाँ जा रहे हो? मैं शराब पीने के दुष्प्रभाव पर भाषण सुनने जा रहा हूँ। इतनी रात को तुम्हें भाषण कौन देगा? मेरी बीबी। यार नया साल तो आ गया, तूने दोस्ती पे कुछ सुनाया नहीं, चल सुना डालना कुछ। अरे यार दोस्ती पे तुझे कुछ सुनना है, तेले सुन। आंसू तेरे हो, आँख मेरी हो, दिल तेरा धड़के धड़कन मेरी हो। खुदा करे दोस्ती अपनी इतनी गहरी हो जाए कि लोग तुझे पीटे और गलती मेरी हो। अरे यार मुझे शादी करनी है। अच्छा तो फिर बता बीवी कैसी चाहिए? अरे यार मुझे चांद जैसी बीवी चाहिए। चांद जैसी? आखिर बोलना क्या चाहता है? जो रात में आया और दिन में चली जाए। अरे यार मेरी बीवी ना बहुत खर्चीले स्वभाव की हो गई है। अच्छा यार वो आजकल 1000-2000 मांगती ही रहती है। आखिर तुम्हारी बीवी इतने पैसों का करती क्या है? पता नहीं यार, मैंने कभी दिया ही नहीं।